मीडिया के मेरे मित्र छायाकार पत्रकार बंधु, आपका सबका यहाँ पर स्वागत। मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिला फुटबॉल एसोसिएशन रेवाड़ी द्वारा दो दिन का 8 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया। 4 मैच यहाँ पर कल खेले जा चुके। वो रेवाड़ी स्टेडियम की टीम है और ब्लू टी शर्ट में जो आप देख रहे हो रोशन किया। मेरा निवेदन डॉक्टर अरविंद यादव जी से, हमारे गेस्टों को लेके जाएं, बाकी सब लोग यहाँ स्टेज पर ही रहें, सब लोग पीछे पीछे ना जाएं। मेरा निवेदन है करवाते हुए योगेश्वर जी को और बबीता फोगाट जी को, इन्होंने कल मैच जीत कर अपने फाइनल में जगह बनाई। देख रहे हो ये हमारे रेफरी हैं, दो दिन से सुबह से शाम तक 8-8 मैच करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर जो रेफरी साहब है उन सबका परिचय देते हुए पीछे होना पड़ेगा, नहीं आएगा भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। राजकुमार यहाँ आ जा। पुलिस की तरफ से और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने खेलों को यहाँ पे मतलब एक जान देने के लिए, क्योंकि जो खेल था यहाँ पे, मैं मुझे लगता है कि मैं पहली बार रेवाड़ी में आई हूँ किसी स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों को मोटिवेट कर, मैं बता रही हूँ। और खेलों के अंदर जिस तरह से जान अरविंद जी ने डाली है, तो ये एक जो हमारे यंग जनरेशन है उनको प्रेरणा मिलेगी, उनके माता पिता भी आए हुए हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर लेके जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सम्मान के तौर पर मुझे बुलाया और एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे और भी ज़्यादा। अभी कॉमनवेल्थ गेम में अच्छे मेडल जीते हैं हरियाणा ने, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, ये खिलाड़ियों की मेहनत है, जो दिन रात उन्होंने मेहनत की है और हमारी देश का गौरवान्वित करवाने का जो मौका दिया है और देश का तिरंगा जो है विदेशों की धरती पर लहरा के आए हैं, तो उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने 120 करोड़ देशवासियों को ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। रेवाड़ी समेत दक्षिण हरियाणा मेडल की हमारी कमी रहती है, तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बढ़ते खिलाड़ी, वही मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में, मैंने यही बताया है कि यहाँ के युवाओं को जागरूक करने के लिए और खेल की तरफ मोटिवेट करने के लिए आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और एक माता पिता के अंदर भी एक जोश पैदा होगा कि खेल भी उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चे के भविष्य के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है। काफ़ी असुविधाएँ मिलती हैं खेल स्टेडियम में ना, क्या कहेंगे सरकार से, क्या कुछ कर पाएंगे आप? सरकार की तरफ से ही देखिए, डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं जो हमारे यहाँ पे हरको बैंक के चेयरमैन, तो इन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी सहयोग करें
और खुद की तरफ से जितना सहयोग हो रहा है वो उतना सहयोग कर रहे हैं। आप सरकार से भी जुड़े हुए ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है जैसे दिल्ली में, तो क्या कहेंगे? देखिए वो ईडी या सीबीआई उनका काम है, वो करेंगे, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जिनका जो काम है वो तो करेंगे, अगर उनका काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राजस्थान के जालौर में जो मासूम बच्चे की, दलित बच्चे की पानी, देखिए जो कुछ भी हुआ है, जहाँ भी हुआ है, वो पुलिस प्रशासन और जो हमारा जो प्रशासन है वो अपना काम देखेंगे और हम अपना काम देखेंगे। क्या कहेंगे उसके बारे में, आप क्या मैसेज देंगे? भाई मैंने कहा कि जो भी कुछ गलत होता है देश के अंदर और राजस्थान सरकार की, तो आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि हर दिन हर रोज हम कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जाता कि जिस दिन किसी मासूम की या किसी महिला के साथ बलात्कार, अत्याचार, इस तरह की घटनाएं ना सुने, ऐसा कभी एक दिन भी नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि या तो राजस्थान सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या क्या नाम है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। थैंक यू। अभी प्रतियोगिता जो कैप्टन आपने किया है, फाइनल मैच खेला जा रहा है, क्या देखिए आज यहाँ पे आज हम फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में हम यहाँ पे आए हैं। माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अरविंद यादव जी, उन्होंने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। कल यहाँ पे खेल मंत्री जी आए थे, आज पब्लिक हॉल में हैं। बड़ी अच्छी बात है कि रेवाड़ी जिले में ये फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है और 8 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था। और अगर आप खेलों की बात करें तो हरियाणा नंबर 1 है, उस नंबर 1 में रेवाड़ी कहीं नहीं है। बड़ी अच्छी पहल है, हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा का जब कई नाम आता है, पूरी दुनिया में हरियाणा के खिलाड़ी चाहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई किसी भी खेल से हो तो हर जिले से हो, उसमें रेवाड़ी भी आता है। खेल हर हरियाणा के हर कोने में, हर गाँव में खेल होना चाहिए। और रेवाड़ी में आज तक मैं, क्योंकि इतना लंबा मेरा कैरियर खुद हुआ है खेल में, रेवाड़ी से कोई खिलाड़ी निकलता हुआ आज तक देखा नहीं हमने। पर हम चाहते हैं कि अभी ये शुरुआत हुई है तो यहाँ से बातें फुटबॉल की, कुश्ती की, कबड्डी की, यहाँ से किसी न किसी खेल में जरूर कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, जिससे यहाँ पे युवाओं में एक दो साल जो छोटे बच्चे हैं उनका खेल के प्रति रुझान हो, वो तभी होगा तब यहीं से कोई खिलाड़ी निकलेगा। तो योगेश्वर जी, सरकार की खेल नीति के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की? खेल नीति बड़ी अच्छी है और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती रहती है, क्योंकि सुधार हम करते रहेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारे मेडल टैली बड़ी अच्छी है, कांग्रेस गेम्स की बात हो या किसी भी टूर्नामेंट की बात हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, एशिया चैंपियनशिप की बात हो, तो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस हरियाणा के खिलाड़ियों की रहती है। जब देश हमारे विदेश में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और ग्रास रूट पर मेरा मानना है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी जरूरत है, अगर हम खेलों में विश्व शक्ति बनना चाहते हैं तो ग्रास रूट पर और ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। जो युवा बच्चे हैं, जो 10 साल 12 साल अकेडमी जाता है या किसी बॉक्सिंग अकेडमी में जाता है, तो उसको वहीं से उसको एक अच्छा पुश देने की जरूरत है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है हरियाणा में, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए आपके पास सरकार को? मैं बताता हूँ, छोटे बच्चों एक खिलाड़ी जब एक लेवल पर हो जाता है तो वो अपने आप सब कुछ कर सकता है, पर जब एक बच्चा घर से निकलता है अखाड़े में तो किसी भी सेंटर में जाता है तो उसके पास सूझ नहीं होते, उसके पास अच्छा डाइट का, डाइट खाने के लिए पैसे नहीं होते। उस टाइम पे हम जब बच्चों को अडोप्ट करेंगे, बच्चों को गोद लेंगे, सरकार की उनको सरकार सुविधा जो देती है उनको पहुँचाए, सरकार जो सुविधा देती है कुछ बच्चों तक वो नीचे नहीं पहुँचे, जो प्रतिभाशाली हैं, जो प्रतिभावान हैं, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, उनको गोद अडोप्ट करना बहुत जरूरी है, गोद लेना बहुत जरूरी है। और उस पर मेहनत करने की बात है, लाइक चाइना की तरह में देखना चाहिए, रशिया की तरह में देखना चाहिए, तब वो काफ़ी काम कर सकते हैं, तभी यहाँ से हम खेल महाशक्ति बन के उड़ेंगे। खिलाड़ी तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। नहीं, कमियाँ नहीं होती, मैंने बोला कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। अभी लगभग 1000 नर्सरी है, पहली बार हरियाणा में 1000 नर्सरियों की घोषणा हुई है, 500-600 नर्सरियाँ चालू हो चुकी हैं। और उसके अलग खिलाड़ियों को कोच लिया जाता है, सीधा कोच बिना भर्ती के सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस गेम्स में हमारे खिलाड़ियों जो मेडल जीते थे गुड़गांव में प्रोग्राम का, मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से उनको पुरस्कृत किया और उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया हमारे काटा, उनको बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके सीधे, ये बड़ी चीज़ है। और खिलाड़ी जब जिस फील्ड, जिस भी क्षेत्र का होगा वहाँ पर ट्रेनिंग कराएगा तो और ज्यादा प्रतिभा निकलेंगे, उसमें टाइम लगता है। ये नहीं है कि हमने कोई ऐसा आज चीज लागू करके कल रिजल्ट आएगा, कल नहीं आएगा, उसका टाइम लगेगा 2-4 साल। और वो चीज़ें हुई है उसका असर आपको 2-3-4 साल बाद देखने को मिलेगा। सरकार की ओर से जीतने के बाद तो करोड़ों की घोषणा होती है, शहर में देखा तो खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधा होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखा तो खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी सुविधा होती है? इसके बाद पहले से बहुत अच्छी सुविधाएं हुई है, पर और भी सुविधा की जरूरत है। पहले किसी गांव में मैट नहीं होता था, मैं बस कुश्ती की बात करूँगा क्योंकि कुश्ती गांव, पहले किसी गांव में मैट नहीं होता था, जिम नहीं होती थी, इंडोर हॉल नहीं होते थे, हमने भी बचपन में देखे हैं। पर आज
तकरीबन अखाड़ों में मैट है, अगर कबड्डी है तो कबड्डी का मैट है, बॉक्सिंग रिंग है, उनके पास इंडोर हॉल है। और सरकार ने एक और चीज़ की हुई है कि आप जहाँ भी नर्सरी है कि आप अपना कोच लेके आइए और 25,000 रुपये कोच को सरकार देगी। ये बड़ी अच्छी पहल है और तभी रिजल्ट आएगा, पर उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कोच लगाए कल रिजल्ट आएगा, वो चीज़ें नहीं होंगी।